भाग के जो सारे। लेकिन आज इधर नहीं जाना, नहीं है, बंद है भाई, दरवाजा ही बंद है। आज आज तुमने यहीं पर एंजॉय करना है जितनी देर कर सकते हो, और उसके बाद अंदर जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार मैंने मुर्गियों को अपने निकाल लिया गाइस, इन्हें मैंने सुबह भी निकाला था लेकिन उस एवरे में ले गया था, उस एवरे में खिला के आ गया। अब मैंने इसी प्रोसेस यहीं पर निकाला हुआ है, और ऊपर ईगल्स भी आ गए हैं, इनको बंद करना होगा। मेरे ख्याल में यार वैसे अब गाइस काफी बड़े बड़े हो गए, अब इनको ईगल्स नहीं उठा सकते। मुर्गा यार हमारा माशाल्लाह तेजी से बड़ा हो रहा है, और अब ये हत्ते भी नहीं आता मेरे, मैं इसको पकड़ने भी लगता ना उड़ने लग जाता। मैं कहता हूं यार ये नो कहीं निकल जाए, उसे बेहतर है कि सुकून से अंदर ही ठहरे। वहां पर लेके जाता था ना फिर इसे पकड़ता था। नहीं नहीं ठहरो, सुकून ठहरो, वेट, सुकून से ठहरो, कोई टेंशन नहीं है मुझे। हमने अपनी छन्नों को अंदर वाली एवरी में खोल दिया था कि यार ये छुपती रहेगी और इसके बच्चे तेजी से बड़े होंगे, और माशाल्लाह से इसके बच्चे भी तेजी से ही बड़ा होना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि एक ही दिन मैंने इनका साइज से लगता मुझे डबल हो रहा है। आप देख रहे हो यार मैंने वो दोबारा बंद करके फिर आ दिया। क्यों बंद करके फिराया मैं तो उसमें रीजन बताता हूं। तो यार इसने पता क्या किया गाइस, मेरा एक बजरी आया डोली से बाहर, वो आराम से ना पहले डोली के अंदर बैठा हुआ था, अपने मम्मी पापा के पास उसे कोई टेंशन नहीं थी। तो वो आया यार डोली से ना बाहर आया एक दिन के लिए, अपने बाहर निकला ना, और वो आपको पता है यार जो भी बच्चा आता है नीचे आते हैं फिर ऐसे ऐसे करके यार उड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी उड़ना स्टार्ट करते गाइस, इसने पता क्या किया, वो जैसे ही नीचे आया ना इसने उसे मारना स्टार्ट कर दिया, और उसे मार 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 के मार डाला। यार मुझे समझ आ गया कि यार ये छन्नों को क्या, पहले भी यही कुछ करती थी, इसने हमारे बतखों को भी मारा था। फिर मैंने क्या किया गाइस, इसको बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ऊपर आकर ठहरूंगा ना मैं इसको निकाल दिया करूंगा। अब जैसे मैं इसको निकाल रहा हूँ, आ जाओ छन्नो बाहर आ जाओ, तो अब मैं इसको निकालता रहा हूँ। जैसे ही यानी कि मैं जाने लगूंगा ना इसको बंद कर दूंगा। ये मेरे सामने किसी को भी कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे मैं नीचे जाता हूँ ना ये फिर मारना स्टार्ट कर देती है ना। गंदी बच्ची बन गई। तो यार गाइस आज आप देख रहे होंगे यार मटका भी वैसे का वैसे सेम टू सेम पड़ा हुआ है, ठीक है, और यानी कि बच्चे आराम से अंदर भी जा सकते हैं। और लेकिन मैंने इनको निकाला समझे खुद था, कुछ आप खुद भी निकल रहे थे कुछ, और आज देखे यार अंदर एक भी बच्चा नहीं है। तो इसका मतलब अब ये बच्चे बाहर रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज मैंने अभी इन्हें निकाला नहीं है, देखे आज सुबह से ये बाहर बैठे हुए हैं, तीन वहां पर बैठे हैं, दो वहां पर बैठे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे यार माशाल्लाह। और मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, ये देखे ना एक सौ हत्ते खड़े ना मेरे, ये बैठा हुआ है ना, इसको पकड़ते हैं, देखो बाप के साथ कितना प्यारा लग रहा है बैठा हुआ है। ये पांचों बच्चे गाइस बाहर आए हुए हैं, और ये बाप के साथ फिर रहे फीमेल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आराम से बैठी हुई है, ठीक है, और ये सब इंटरेस्टेड अपने बाप के अंदर है। मुझे यार गाइस इसकी रीजन समझ आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही समझ आ रही है कि यार सिर्फ लंबी जुदाई, क्योंकि जैसे ये पैदा हुए थे इनका बाप मैंने अलग कर लिया था, और अब जैसे ही छोड़ा है ना इनको बच्चों का ना ज्यादा इंटरेस्ट है बाप के अंदर, तो हमारा बाप मम्मा तो बचपन से साथ हैं इनके। तो यार ये देखिए इसका गाइस दरवाजा मैंने खुला हुआ है, मैंने चेक करना था यार, अब आज चेक नहीं किया गाइस, मैंने कहा था यार जब बाहर जाएगी ना फिर हम चेक करेंगे, तो अभी ये फिलहाल अंदर है। तो आज मैंने दोपहर को देखा लेकिन मुझे नजर नहीं आया यार दूसरा अंडा दिया कि नहीं दिया, तो मैं कल तक इंशाल्लाह दोबारा चेक करूंगा, अगर इसने दूसरा अंडा दिया ना तो वो मैं आपको यार इंशाल्लाह दिखाऊंगा और बताऊंगा भी सही। देखा यार आपने स्पीड ऐसे ऐसे जाते हैं, और मैं ये अपने पैर में ऐसे ऐसे मोमो की तरह चल रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार ये ना कोई पैर के नीचे जाए, क्योंकि बहुत छोटे और ये बहुत एक्टिव है। अब ये देखना भागते देखे ऐसे इतना तेज भागते हैं ना ये, यानी कि बहुत ऐसे चूहे की तरह भागते हैं। मैं कहता हूँ यार जी देखिए देखिए, मैं कहता हूँ यार ये ना कोई बेचारा पैर के नीचे आ जाए मेरे। तो यार गाइस मेरे पास निकला है यार एक खेलों का बच्चा, आज मैंने बजीज को नहीं चेक किया यार, आपको दिखाया बगैर चेक किया, समझे मैंने अकेले नहीं चेक किया। तो यार हमारे पास निकला है यार खेलों का बच्चा, हालांकि आपको पता है यार मेरी एवरी में सिर्फ और सिर्फ यानी कि रेड आइस है, येलो रेड आइस है, और इसके अलावा बजरी है, लेकिन हमारे पास फैलो नहीं है। फैलो यार जो होता है गाइस एक तो वो रंगीन होता है यानी कि मुख्तलिफ कलर का होता है बजरी की तरह, लेकिन रेड आइस होता है वो फैलो होता है। मेरे पास एक फैलो निकला है, मैं आपको दिखाता हूँ उसके। यार गाइस इसको अभी बंद करके जाना, मैंने भूलना नहीं है। तो यार इसके माँ बाप भी गाइस यानी कि ब्लैक आइस है, ठीक है, दोनों ब्लैक आइस है, रेड आइस एक नहीं है, और फैलो तो दूर की बात है। पिछले साल भी मेरे पास एक फैलो निकला था, ये देखिए ये बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसने इस साल कुछ नहीं किया। ये देखिए बहुत प्यारा होता है फैलो यार, ये होता है देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो इस बार भी इस एवरी में भी एक फैलो निकला है, हटो यार। तो मैं आपको गाइस फैलो दिखाता हूँ, और ये फैलो जहरा वो इससे भी ज्यादा प्यारा है, मुझे तो इससे ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। तो यार वो निकला हुआ है हमारे डोरी नंबर टू के अंदर, आज मैंने देखे यार, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ये बैठा हुआ है, ये हमारा बैठा है फैलो का पीस, कितना प्यारा है यार ये बैठा है गाइस फैलो का पीस। ये फीमेल बैठी है, बाकी जो निकला वो साथ है, और सब जितनी भी इस टाइम यानी कि डोरी में निकले हुए ना बच्चे, ये देखें इसके भी बच्चे निकल आए गाइस, लेकिन सबके साथ ना यानी कि वन टू ऑल ब्लैक आइस, जो रेड आइस भी आ रहा है यानी कि उसके भी ब्लैक आइस ज्यादा निकलते हैं, रेड आइस कम निकलते हैं। नहीं ये देखिए अब ये है, ये तीन टू तीन तीनों ब्लैक। ओ ओ ओ ओ ओ ओ गाइस मेरा डब्बा यहाँ पर रख दिया खुराक का, और वो गिर गया, और वो देखे वो सारी खुराक गिरी पड़ी है। होए होए ये क्या हो गया भाई, सारी मेहनत बढ़ गई, इसलिए कहते हैं यार जल्दी का काम शैतान के। अब मैं आराम से डरा हुआ था, झूम करके आप हो और डोलियन खा रहा हूँ यार, तो वो ऐसे जैसे टांग लगी है ना सारा बकरी का, मुझे दो सारी मेहनत बढ़ गई, सबको खट्टा करके समझा डालना पड़ेगा खुराक को, या इनको नई खुराक डाल देता, ये पड़ी रहा यही कहीं मुर्गियों को ले आऊंगा वो खा लेंगे गाइस। सब तो मैंने भगा दिया, मैंने कहा जाके वो उसी लाइन में बैठ जाओ, सीधे इंटरव्यू दो कि किसके कितने बच्चे, आप देखिए ये सारे लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं आराम से डर के यार इनकी प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ। और इसके भी बच्चे निकाले गाइस, वो देखो ओ ब्लैक 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 सर,
ये बच्चे दिखाती नहीं थी, आज इसका बच्चा निकला यार। वरना ये मैं पूरी प्रोग्रेस में चेक कर लू ना यार, सारी रोजा उठ जाते हैं, ये नहीं उठती यार। ये देखिए माशाल्लाह इसके भी दो से तीन नहीं चार बच्चे निकले हुए इसके भी, और ऐसे यार तकरीबन सब डोलियों के अंदर काफी सारे बच्चे निकले पड़े हैं। मैंने अब चेक करनी है प्रॉपर प्रोग्रेस यार, इंशाल्लाह एक दो दिनों तक चेक करते हैं। और मैं आपको हाँ मेरे पास एक व्हाइट राइडर भी निकला हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो निकला हुआ ड्रोन नंबर 25 पे, ये बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है, वो है व्हाइट राइडर। व्हाइट राइडर निकला हुआ है और वहाँ पर फैलो निकला हुआ है, काफी सारे यार प्यारे प्यारे बच्चे निकले। ये देखिए रेड आइज नहीं, रेड आइज नहीं, ब्लैक आइज है। मैंने मुर्गी को गाइस वहाँ पर खुद नहीं छोड़ा, क्योंकि यार जो मुर्गी है ना फिर हमारे रैबिट के बच्चों को मारेगी। और यार ये पता क्या है, ये जो चुनू है ना ये बचपन से गुस्से वाला है, इसने हमारे डॉग्स को भी मार दिया था इस तरीके का, इसलिए मैंने यानी कि इसको रैबिट के सामने छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखों में मार दिया। और एक तो ये वैसे छिट्टी मुर्गी है हमारी, और दूसरी ये बच्चों पर है। जब बच्चों पर होती है मुर्गी, आम मुर्गी भी होता है यार अग्रेसिव हो जाती है। अब ये मेरे अलावा ना बाकी हर चीज़ को मारती है, बड़े रैबिट को भी आंखें दिखा देती है। ये देखें अभी 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 कहा हो गया, इतना डर क्यों रही हो यार, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना रहा हूँ यार, तुम्हें तुम्हारे तभी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े हो जाए उन्हें खाऊंगा फिर तुम्हें खाऊंगा। अब मैं बाहर जाने लगा हूँ गाइस, और उससे पहले कि मैं बाहर जाऊँ इसको बंद कर दूंगा। अंदर जाओ। वो देखो वहाँ से मुर्गा का चीखे मारा कि भैया मेरे कुकड़ी को ना कुछ ना, इसको यहाँ पर छोड़ेंगे गाइस, इसको बंद करेंगे, आप इसके बच्चों को पकड़ेंगे और फिर बच्चों को छोड़ेंगे। मैंने सिर्फ इस मुर्गी को इसलिए इनके साथ ठहराया क्योंकि ये बच्चे इतने एक्टिव है ना माशाल्लाह, मेरे हाथ में भी नहीं आते। जब तक ये मम्मा के साथ है ना गाइस ये ऐसे ही एक्टिव रह जाएंगे, लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में आएंगे ना ये एक्टिवनेस इनकी कम हो जाएगी। देखिए अब इतना सा चूजा और मेरे हाथ में नहीं आ रहा यार, आ जाओ। ये देखो यार बड़ी मुश्किल से यानी कि यार पकड़े जाते हैं, पता नहीं अब किस कंट्रास्ट में निकल रहे हैं, माँ पर जाएंगे बाप पर जाएंगे, ये तो अब बड़े होंगे तब बताएंगे। हटो पीछे जाओ। और भाई तुम्हारे बच्चे दे रहा हूँ यार तुम्हें गाइस, बच्चे माशाल्लाह यार तेजी से एक्टिव हो रहे हैं और बच्चे काफी गर्म होते हैं यार। ये देखो यार गाइस ये बैठ के खा रहे हैं, खा पता क्या चीज रहा है ये, अभी मैं इसको घास दूंगा ना ये वो घास भी खाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यार। घास सनी पड़ी हुई ये देखो, ये मैं इसको खिलाता हूँ, खाओ अभी देखना ये इसे भी खाना स्टार्ट कर देगा, जो चीज़ मुंह में आती जाती है उसे खाते जाते हैं। ये देखो ये पता नहीं अब क्या चीज़ खा रहे हैं, लेकिन यार ये सेल्फ हो गए हैं यानी कि अब इस टाइम सेल्फ इस तरीके से हो गए गाइस, ये खुद भी खा रहे हैं और मम्मा इनको दूध भी पिला रही है। वो देखें अब शाम का टाइम हो रहा है ना, वो देखें मटके की तरफ इनका रुझान है। अब ये देखो माशाल्लाह यार कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस, बढ़ गए यार रैबिट हमारे, थोड़े लगते थे पहले मटके के अंदर थे फिर भी ऐसा लगता था यार दो ही रैबिट है, अब ये देख रहे हैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 और छठा वो बैठे हैं, सातवां वो है, आठवां वो बैठे हैं अंदर। देर गाइस इन बच्चों की चाची ने अंडे देने हैं यार, अंडे देने हैं सॉरी यार बच्चे देने हैं, वो इंशाल्लाह यार वो ब्लैक में भी होंगे और इसके अलावा ब्राउन में भी होंगे। हमारे पास होगा उसका क्या कहते हैं उसे मेल और फीमेल होगी, हमारे पास व्हाइट नहीं सॉरी यार ब्लैक, तो हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो मिक्स आएंगे। मुझे अब तक ना गाइस अपने काले शैतान का बहुत अफसोस होता है यार, आपको याद होगा मेरा काला शैतान यार, याद है वो काला शैतान हमारा रैबिट था पूरा पूरा काला था यार, उसके बच्चे भी पूरे काले निकलते थे आपको याद होगा शायद। तो यार वो ना एक समझे बच्चा बंदा मेरे से ना ज़बरदस्ती छीन गया था यार, इस तरीके से मेरे साथ हुआ था। वो यार ऐसे गाइस के वो ले आए मेरे पास रैबिट, मैंने कहा यार मेरे से ना व्हाइट रैबिट ले जाना, व्हाइट काफ़ी सारे थे मेरे पास उस टाइम, तो उसे पसंद आ गया ब्लैक लेना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे देके ना व्हाइट के निस्बत से डबल पैसे देके, और वो मेरे से ब्लैक ही ले गया था। सोता हूँ ना देता हूँ उसे मैं फिर सोता हूँ यार, उसका शौक था वो कह रहा था कि मैंने गोरा कैसा लगाना पता नहीं क्या क्या वो पेयर बनाना चाहता था, तो मैंने उसे दे दिया था यार। अब यार गाइस हमारी ये जो ग्रे मुर्गियाँ ना ये पूरी की पूरी ना हमारे यानी कि चुन्नू जितनी हुई ठहरी है, सिर्फ इसकी धूम आ जाए ना, पता नहीं यार इनकी धूम क्यों नहीं आई, अगर इसकी धूम आ जाए ना धूम देखे ना इसकी बिल्कुल भी नहीं है, लुंडिया पीछे से बेचारी, अगर इसकी धूम आ जाए तो इसका साइज जो है ना इस टाइम हमारे चुन्नू जितना है, तो यार ये भी अंडे देना स्टार्ट कर देगी। इनको यार मैं मकई डाल गया था गाइस, उसने भी खा लिया और इन्होंने भी मेरे ख्याल में खा ली, देखना बिल्कुल कचरा बचा पड़ा है अभी ये समझे। इन्होंने ना 6 से 7 घंटों में इन्होंने सारी साफ खत्म कर दिया, कल थोड़ी ज्यादा डालूंगा ताकि 12 घंटे चले यार। तो यार इनको अब अंदर डालते हैं गाइस, मैं से अंदर जो खुद भी चले जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ शायद ना जाएंगे, देखिए देखिए ये बैठ के खा रहे हैं, मैं कहता हूँ शायद ना जाएंगे इसलिए इनको अंदर डाल दे। ये देखो यार ये क्या कर रहे हो, शर्म तो नहीं आती यार। अच्छा अब मैं भी पकड़ूंगा तो ऐसे चीखे मारोगे हैं, हाँ आप क्यों चुप हुए हो यार, मैं भी अगर मुँह देखे इतना कितना खोल, जाओ 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 नाखून मारता है, अंदर जाओ यार तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ, अबे यार तुम्हारा फायदा सोच रहा हूँ, जाओ अंदर सुकून से बैठो। गाइस इसके सीखे सुन के ना व्हाइट वाला डर के यहाँ पर भाग गया, तो इसको भी पकड़ लेते हैं, आ जाओ। गाइस बड़े एक्टिव हो गए यार ये तो, हाथ में भी नहीं आ रहे, वो देखो मैं यहाँ से आता हूँ वहाँ पर चले जाते हैं, इधर आओ वो देखो नहीं आते यार ये तो, अबे आ जाओ। गाइस काफ़ी एक्टिव हो गए यार ये तो, पकड़े नहीं जा रहे, इनकी यही चीज़ पसंद है गाइस। हफ्ता पहले मैं ये सोच रहा था कि यार ये हिले यानी कि चले, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये रुकें और मैं इनको पकड़ूँ तो यार इनको पकड़ के गाइस अंदर डालते, तो वैसे अंदर जो खुद चले जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ हो सकता है रात को कोई बाहर आ जाए और बेचारा यार सर्दी की वजह से एक्सपायर हो जाए, तो इसी के साथ ही गाइस आज के लोग यहीं पर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।